नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, मैं आज आपको गुलाब के केयर की बताता हूं। सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट है गुलाब उगाना। लोग अक्सर डर जाते हैं, लोग हमको कहते हैं कि हमने नवंबर दिसंबर में गुलाब खरीदा था, काफ़ी सारा गुलाब आया, उसके बाद क्या हुआ, जब तक बरसात आई जुलाई अगस्त में सारे गुलाब के पौधे मर जाते हैं। तो आपके जो मैं आपको आज जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए, 5 पॉइंट है। इस 5 बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो एक भी गुलाब का पौधा कभी नहीं मिलेगा, सालों साल चलता रहता है। इस तरह से आप गमले में उगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा 6, 7, 8, 10 साल आसानी से आप निकाल सकेंगे गुलाब, और सैकड़ों गुलाब आप इसको निकाल पाएंगे, इसमें से गुलाब ले सकेंगे आप। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि आप जो दिखाते हैं ज़मीन में गुलाब उगाते हैं, सैकड़ों हज़ारों गुलाब उगाते हैं, आप गमले में बताइए कि सबसे आसान तरीके से हम गमले में कैसे गुलाब उगा सकते हैं। ये देखिए, गुलाब का पौधा मैंने गमले में ट्रांसप्लांट किया है। आप अगर 70% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट और थोड़ी सी राइस हस्क अगर लेके डाल के उसमें से सॉयल मिक्स बना लें तो सबसे आसान है कि आप ये गमला हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान देना है, गुलाब आपको अगर उगाना है तो आपको वहाँ धूप आनी जरूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने पौधा लिया था, ये गुलाब का पौधा ख़रीदा है, और देखिए मैंने 6-7 दिन इसको सेमी शेड में रख दिया था। ये देखिए सारे पत्ते पीले पड़ जा रहे हैं। गुलाब को अगर ठीक से आपको ग्रो कराना है तो आपको ये धूप में रखना है। ये पौधा मैंने बिल्कुल धूप में रखा था, ये देखिए बिल्कुल पौधा सही है। तो एक बात का ध्यान आपको रखना है कि 6 से 7 घंटे आपको धूप जरूरी है, और हर दिन आपको गुलाब को पानी देना है। पानी गुलाब काफ़ी पीता है, और इसमें से आपको 4-5 बातों के ध्यान देता हूँ। एक बात जो है सबसे ज़रूरी, ये मैं अंत में बताऊँगा, आप पूरा वीडियो देखिए। देखना है कि गुलाब में जो डिजीजेस लगते हैं उसमें थ्रिप्स के डिजीज, माइट्स के डिजीज और स्केल के डिजीज सबसे ज़्यादा होते हैं। स्केल का क्या होता है, इसमें जो होता है ये जो पत्ती या जो टहनियाँ होती है, यहाँ पर देखिएगा इसमें स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और थोड़े थोड़े से फूले टाइप के हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कोई स्पॉट में, अगर आप नाखून से खुरचेंगे, नाखून से खुरचने के बाद अगर वो चीज़ उठ के आ जाती है, इसका मतलब उसका स्केल का अटैक हुआ है। और अगर आपके देखिए गुलाब के जो जून जुलाई में देखिए पत्ते, छोटे छोटे जो नए पत्ते हैं ये जलने लगते हैं, इसके पत्ते के जो किनारे जल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तब इसका मतलब इसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। और ये पत्ते के नीचे देखिए रेड माइट्स का अटैक होता है काफ़ी सारा, ये देखिए नज़दीक से रेड माइट का अटैक गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या देना है, सबसे आसान चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है थीटा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये तीनों का आपका कंट्रोल करेगा। इसमें देखिए माइट्स, स्केल्स, थ्रिप्स, ये माइट्स, स्केल्स, थ्रिप्स तीनों का आपको ये कंट्रोल करेगा। 1 ml/L लेके 10 दिन में एक बार अगर आप पूरे पौधे स्प्रे कर देंगे तो आपके थ्रिप्स के, स्केल्स के, माइट्स के बहुत सारे कंट्रोल हो जाएंगे। या अगर आप चाहते हैं ओवरन टाइप का कोई भी ओमाइट टाइप का जो माइट्स के जो होते हैं उसको यदि कंट्रोल कर सकते हो वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये तीनों को कंट्रोल करती है, 100% ऑर्गेनिक है, तो आप सेफली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको गुलाब में काफ़ी डाइवर्ट की प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, जब आप डाली काटते हैं तो ऊपर से नीचे होके सरती होके नीचे नीचे मरती मरती पौधे के ये नीचे तक चली जाती है, ये पूरा पौधा मर जाता है। डाईबैक के लिए सबसे अच्छा है आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये टाटा का भी आता है या ब्लू कॉपर का नाम से भी आता है, ये जो है टाटा का ब्लाइटॉक्स नाम है, ये आप 2 ग्राम/L लेके स्प्रे कर दें 10 दिन में एक बार, थोड़ा मिट्टी में भी डाल दें तो आपका कोई भी डाईबैक का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ये दूसरा है, गुलाब में डाईबैक की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, तो आपको एकमात्र इलाज है इसको, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देके आप इलाज कर सकते हैं। वैसे आप जनरली अगर कोई आप स्प्रे करना चाहे कि गुलाब में फंगस का अटैक नहीं आए तो आप सैप दे सकते हैं, ये सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ है साफ, 2 ग्राम/L में लेके आप स्प्रे कर दें गुलाब में तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप नीम का प्रोडक्ट, ये देखिए पेस्टो नीम है, इस तरह का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है, नीम बेस्ड ऑयल नहीं है, ये ऑयल बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, ये क्या वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। दूसरे हम जब नीम ऑयल यूज़ करते हैं वो पानी में ठीक से डिजॉल्व नहीं होता, ये डिजॉल्व हो जाता है। ये पेस्टिसाइड का काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, 2 ml/L लेके हर 10 दिन में स्प्रे कर देंगे तो आपको और कोई भी पेस्टिसाइड देने की गुलाब में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना देने के लिए आप गुलाब में 10 तरह के, उसमें काफ़ी सारे बोन मील, हॉर्न मील, लेदर मील, स्टीम मील, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ फूड आता है, बहुत सारे कंपनी के ब्रांड के आपको अमेजन में, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे रोज़ के फूड, इस तरह के आपको लेके 1 चम्मच लेके, तरह तरह के कलर में आते हैं, ये 1 चम्मच आप लेके ये गुलाब के चारों तरफ दे दें और आपको कुछ नहीं करना। चाहे तो आप थोड़ा गुड़ाई करना चाहते हैं
ये परमानेंट पौधा है तो आपको गुड़ाई भी कर सकते हैं। एक चम्मच डाल के इसको गुड़ाई कर दें, 10 दिन में 15 दिन में एक बार डाल देंगे तो आपका जो गुलाब में है हर तरह का खाना है इसी से मिल जाएगा। इसमें बोन मील, हॉर्न पील, लेदर मील, ह्यूमिक एसिड, सारे चीज़ इसमें मिला होता है। आपको गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हर दिन गुलाब का पौधे को आप स्नान करा जरूरी, ये भी चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर सिंडर में ग्रो कर रहे हैं आप खंगर में तब आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार पानी देना है और दोपहर में 1 बार पानी को पौधे को स्नान कराना है सिंडर में अगर ग्रो कर रहे हैं। इस तरह के मिट्टी में अगर ग्रो करने तो आपको सुबह या शाम 1 बार पानी देने से भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो बात है आपको मैं बोल रहा हूँ कि गुलाब में आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट देखिए मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, ये है ऑफशूट। ये देखिए टहनी निकली है, इसके पत्ते देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पत्ते है, ये देखिए 7 पत्ते वाले है ये जो टहनी, और इसके देखिए पत्ते 5 पत्ते, 1, 2, 3, 4, 5 पत्ते, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पत्ते ही है, इस तरह के 5 पत्ते और नीचे का टहनी ये देखिए 7 पत्ते, और ये जो टहनी निकल रही है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जॉइंटिंग पॉइंट, ये ग्रैफ्टिंग पॉइंट है, ग्रैफ्टिंग पॉइंट नीचे से निकल रहा है, इसका मतलब ये जो है ये स्टॉक से निकल रहा है, ये पुराना जो प्लांट है ये जो रूट का स्टॉक है इसी से निकल रहा है, इसको आपको काट के हटा देना है। इस तरह से आप अगर इसको आपको जरूर से है इसको काट के हटा देना है, इस तरह की टहनी जब भी आप निकल रही ये पूरे पौधे की जो न्यूट्रिशन है ये खा जाएगी आपको। तो आपको ये जो जब भी आप देखें ये जहाँ पर ग्रैफ्टिंग पोर्शन है, ग्रैफ्टिंग पोर्शन से नीचे कोई टहनी निकल रही है ये बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगी, आपको लगेगा कि गुलाब का तो बहुत काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके पत्ते के कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, काफ़ी अंतर है दोनों में, ये लाइट ग्रीन है, ये डीप ग्रीन है, और इसमें 7 पत्ते हैं, इसमें 5 पत्ते हैं, ये जरूरी है। और जब भी आप इस तरह का फंगस का अटैक हो रहा है तो आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये देखिए नीचे से ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसके नीचे से 2 और निकल रही है, ये हो गया आपका एला कहते हैं हमारे यहाँ बंगाली में, और ये आपको जो है नीचे से जो पोर्शन है ये काट के हटाना है, क्योंकि ये ओरिजिनल पौधा के इसको क्या करेगा, मेन जो पौधा हमारा ग्राफ्टेड पोर्शन है उसको हटा देगा और इसको जाना जरूरी है। ये आप धूप में रखिए, पानी दीजिए, और इस तरह से अगर आप गुलाब के केयर करते हैं और अगर आपको इस तरह से खाना देते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं तो गुलाब में आपको सालों साल रखेंगे। और अगर आपको बरसात में अगर गुलाब में कोई प्रॉब्लम हो रही तो टिबिकोनाजॉल, हेक्साकोनाजॉल या कॉन्टैक्ट प्लस जो होता है इस तरह का एक फंजीसाइड अगर आप हफ्ते में एक बार प्रयोग कर देंगे तो बरसात में पूरी बरसात में पौधे को रख दें, बारिश में अगर आपका सॉइल जो है ऑयल रेंट सॉइल है तो गुलाब का पौधा कभी नहीं मिलेगा। ये 4-5 टिप्स मैंने बताई है, ज़रूर से फॉलो कीजिए, आपके पौधे सैकड़ों पौधे होंगे और सैकड़ों फूल होंगे गुलाब के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं लाने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।